हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम बनाएंगे हरे चने की बिल्कुल नई रेसिपी और गारंटी है कि आपने इसे कभी नहीं खाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने कुछ सामग्री लिया है। तो यहाँ पे लिया है हमने हरा चना और ये हरे चने का सीजन है तो हम ये हरे चने की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। और ये हमने लिया है कुछ सामग्री जिसे हम तैयार कर लेते हैं। और चने को हम सबसे पहले दो भाग में कर लेंगे। ये थोड़ा सा चना हम अलग कर लेंगे, इसे हम साबुत इस्तेमाल करेंगे और इसे भून के पीस लेते हैं। और यहाँ पे हमने गैस पे रख दिया है कढ़ाई और उसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल। तेल गर्म हो चुका है तो उसमें डाल देंगे हरा चना और इसे हम चलाते हुए पहले भून लेंगे। जब ये हल्का सा भून जाए तो अब इसे हम ढक्कन लगा देंगे और इसे हम पकने देते हैं। आंच को धीमा कर देंगे और जब तक चना पक रहा है तब तक मसाले तैयार कर लेते हैं। तो ये लिया है 4-5 हरे मिर्चे, थोड़ा सा लहसुन और ये थोड़ा सा अदरक, ये 2 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च और इसे भी हम मिला देते हैं, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया और ये 1 कटा हुआ प्याज। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका हम पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मसाले को पीस के तैयार कर लिया है और ये बिल्कुल ही बढ़िया सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इससे सब्जी में कई गुना स्वाद बढ़ जाएगा। और अब चना चेक कर लेते हैं। तो चना भी हमारा अच्छे से भून चुका है और इसमें से 1 चना लेके हम चेक कर लेते हैं। तो इसे इस तरह से दबाने पर ये बहुत अच्छे से दब जा रहा है और यानी कि चना हमारा पक के तैयार हो चुका है। तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इसका ठंडा करके पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने 7-8 चम्मच पानी मिलाते हुए चना का पेस्ट बना के तैयार कर लिया है और ये बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन गया। और अब कढ़ाई को हमने फिर से गैस पे रख दिया है, इसमें डाल देंगे 4-5 चम्मच तेल। तेल गर्म हो चुका है तो अब इसमें डाल देंगे 1 कटा हुआ प्याज, 1 तेज पत्ता और इसे हम चलाते हुए पहले हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हल्का हल्का भून चुका है। अब इसमें डाल देते हैं 1 मीडियम साइज का कटा हुआ आलू और इसे भी हम चलाते हुए प्याज के साथ भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू और प्याज दोनों अच्छे से भून चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे साबुत हरा चना, जो हमने थोड़ा सा चना अलग बचा के रखा हुआ था, तो इसे भी हम आलू और प्याज के साथ भून लेते हैं। और यहाँ पे आलू प्याज चना सभी अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ मसाला और इसे भी हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। अब डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, ये 2-3 चुटकी हींग। हींग को आप जरूर मिलाएं। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच मीट मसाला, ये किसी भी ब्रांड का मीट मसाला ले सकते हैं। और इन सभी मसालों को अभी हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और बस इसे हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे देखिए मसाले तेल छोड़ चुके हैं, यानी कि ये मसाला अच्छे से भून चुका है। तो और अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार 2 छोटा चम्मच नमक और डाल देंगे थोड़ा सा पानी और अब इसमें मिला देंगे 2 कटे हुए टमाटर,
इसे हम बीच में इस तरह से रख देंगे और ऊपर से डाल देते हैं चना का पेस्ट। जब हम इस तरीके से रखते हैं तो ये टमाटर बहुत ही अच्छे से और जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चने के पेस्ट से कवर कर देंगे और ऊपर से लगा देते हैं ढक्कन। आंच को बिल्कुल धीमी कर देंगे और इसे पकने देते हैं। बस एक मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, ये बिल्कुल ही बढ़िया सा पक चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे गरम किया हुआ पानी। पानी को आप हमेशा गरम करके ही मिलाएं, जिससे निमोना का टेस्ट बना भी रहेगा और जल्दी से तैयार भी हो जाएगा। इसे आप एक बार ज़रूर बनाएं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब निमोना को ढक देते हैं, आंच को तेज कर देंगे और जब उबाल आ जाएगा तो धीमा कर देंगे और इसे पकने देते हैं। और ये बस 5 मिनट बाद निमोना ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अच्छा सा उबाल आ रहा है और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया सा निमोना हमारा बन के तैयार हो गया है। तो एक बार इस तरीके से आप हरे चने का निमोना ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका हरे चने का निमोना कैसा बना है। और उम्मीद है आप सबको ये बहुत पसंद आएगा, और इस समय तो चने का सीजन भी है तो इसे आप ज़रूर बनाएं। और अब इसमें हम मिला देंगे कटी हुई धनिया पत्ती और इसे भी थोड़ा सा और भी टेस्टी बनाने के लिए चलिए इसका तड़का बनाते हैं। तो यहाँ पर तड़का पैन गैस पे रख दिया है। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी और ये 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 सूखी हुई लाल मिर्च। तो ये तड़का तैयार है और अब लगा देते हैं निमोना में तड़का। तो ये हमारा निमोना बनके तैयार है। इसे आप हरे चने की सब्जी भी बोल सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।